मध्य प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं वर्तमान भाजपा विधायक अजय विश्नोई ने अपने ट्वीट के जरिए प्रदेश में कोविड मरीजों की औसत संख्या और उन पर खर्च की जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा पर सवाल करते हुए महाराष्ट्र से तुलना की है और सीएम से सवाल किया है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी है, मुख्यमंत्री जी कृपया ध्यान दें। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में महाराष्ट्र में 50,000 मरीज थे और ऑक्सीजन 457 मैट्रिक टन खर्च हुई। वहीं मध्य प्रदेश में 5,000 मरीजों पर 732 मैट्रिक टन ऑक्सीजन खर्च क्यों हुई? मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए इसे ऑक्सीजन घोटाले की संभावनाओं से जोड़ दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि शिवराज जी अपनी सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अजय विश्नोई के सवाल का ही जवाब दे दीजिए। महाराष्ट्र के मुकाबले 10% मरीज होते हुए भी ऑक्सीजन की खपत ज़्यादा क्यों हुई? वहीं इस पूरे मामले पर अजय विश्नोई का बयान भी सामने आया है। उन्होंने खुलकर कहा है कि प्रदेश में सरकार कोविड-19 से लड़ने का हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी अभी बनी हुई है और ऐसे में उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए सीएम शिवराज सिंह चौहान का ध्यान आकर्षित करना चाहा है। अप्रैल 2020 में जहाँ सिर्फ जबलपुर जिले में 40 प्रकरण थे, आज यहाँ रोज 500-700 प्रकरण आ रहे हैं, तो आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं। प्रदेश सरकार लगातार उसके लिए प्रयत्नशील है। ऐसे में यदि ऑक्सीजन का किसी प्रकार से वेस्टेज हो रहा है तो उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके लिए मैंने आज ट्वीट किया है कि मेरे पास जो आंकड़े उपलब्ध हुए एक वेबसाइट के माध्यम से, उसमें महाराष्ट्र की आवश्यकता से ज़्यादा खर्च मध्य प्रदेश में दिखाया गया है, तो ये ज़रा चिंताजनक था। ये बात मैं मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लेकर आया हूँ। आज एक और पत्र मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है, जिसमें मैंने उनका ध्यान दिलाया है कि जबलपुर में संजीवनी हॉस्पिटल वाले अपना एक ऑक्सीजन प्लांट लगाना चाह रहे हैं, तैयारी हो चुकी है, उनको सिर्फ लाइसेंस नहीं मिल पा रहा है आगरा के एक्सप्लोजिव सेंटर से। तो मैंने उनसे अनुरोध किया है कि वो अपने सोर्सेज का इस्तेमाल करें, उनको लाइसेंस जल्दी दिलवा दें। उनको एक कंटेनर की आवश्यकता है जो ट्रांसपोर्ट करके लाएगा लिक्विड गैस को, वो कहाँ से मिल सकता है, वहाँ के लिए भी मैंने उनको पता दिया है। ये दो जगह मुख्यमंत्री जी यदि मदद कर देंगे तो 10-15 दिन के अंदर हमारे जबलपुर के अंदर 2,000 ऑक्सीजन के सिलेंडर रोज और तैयार होना शुरू हो जाएंगे। सब मिलजुल के ऑक्सीजन की इस कमी की लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ शीघ्र ही इसमें हमको सफलता मिलेगी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।